नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न फॉर ग्रो चैनल पर। यह हम सभी मिलकर सीखेंगे और पढ़ेंगे। एजुकेशन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम और भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो से आपको नया ज्ञान, कौशल्य और सूचना मिलेगी जो आपके करियर बिल्डिंग करने में मदद होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो के अपडेट से अपूर्ण होने से बच सके। तब तक चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं और लर्न फॉर ग्रो के साथ बना के रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसक्यूएल लर्निंग सीरीज। दोस्तों आज हम सीखेंगे एसक्यूएल ड्रॉप टेबल के स्टेटमेंट के बारे में। ओके, एसक्यूएल ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट क्या है? देखिए डेफिनेशन देखेंगे इसका क्या है। इन एसक्यूएल ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन द डेटाबेस। देखिए दोस्तों सिंपल है, मतलब हमको क्या करना है, ड्रॉप स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं, मतलब डेटा सेव रहता है, जो डेटा सीट सेव रहता है उसको डिलीट करने के लिए, परमानेंटली ड्रॉप करने के लिए। आपको मालूम है ड्रॉप मतलब गिराना, ठीक है, गिराना मतलब डेटाबेस से उसको निकाल देने का। ठीक है दोस्तों, इतने सिंपल से, ठीक है। देखिए इसका क्या है, ड्रॉप कमांड यूज टू रिमूव द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर इंडेक्सेस एंड प्रिविलेज विल बी रिमूव्ड। ठीक है, जो जो प्रिविलेजेस दिया रहता है, जो इंडेक्स रहता है, मतलब हमने देखा था एक्सेल सीट से डेटाबेस में एक्सपोर्ट करके हमको डेटाबेस में सेव किया था एक्सेल सीट को आउटसोर्स से, ठीक है, उसी को अभी डिलीट करेगा पूरा, परमानेंटली कुछ भी नहीं रहेगा उसको। उस टाइम हम क्या करेंगे, हमको डिलीट करना है, उस टाइम हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों इसका सिंटैक्स क्या है देखेंगे, ड्रॉप टेबल सिंटैक्स। ठीक है, सिंपल है दोस्तों, ड्रॉप टेबल नेम लिखना, टेबल का नाम लिखने का। ओके दोस्तों, आपको मैं एसक्यूएल डेवलपर में सिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों मैं आपको एक दिखाता हूँ, ठीक है, एक नया टेबल एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, मैं एक नया टेबल एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे, मतलब बाहर से एक इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको मालूम है, ये टेबल टू को करता हूँ, ठीक है, मतलब हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सैम्पल टेबल करके नाम देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, सैम्पल टेबल, ठीक है, सैम्पल टेबल करके हमको डेटा सेव करना है हमारे डेटाबेस में। चलिए दोस्तों आपको ये तो मालूम है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है इसमें। देखिए इंपोर्ट डेटा, टास्क सक्सेसफुली इंपोर्टेड एंड कमिटेड करके हो गए, ठीक है। अभी क्या किया था, सैम्पल आप सेलेक्ट कर रहे देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैम्पल रिजल्ट, ठीक है, मालूम है ना। ये देखिए इसमें डेटा क्या क्या है, देखिए कितना डेटा है ना, ये सैम्पल टेबल सेलेक्ट किया तो आ गया, ठीक है। अभी पूरा ये सीट ही डिलीट करना है ये, ओके, मतलब पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है ना, इसका टेबल का स्ट्रक्चर पूरा डिलीट करना है, ये हमारे डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट करना है। तभी क्या करेंगे हम, ड्रॉप सिंटैक्स यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल लिखना पहले, बाद में टेबल का नाम क्या है, सैम्पल टेबल, सैम्पल टेबल। ओके दोस्तों देखिए, अभी सेलेक्ट करो, रन करो, देखिए दोस्तों टेबल सैम्पल, देखिए टेबल सैम्पल टेबल ड्रॉप, मतलब ये टेबल अभी ड्रॉप हो गया, मतलब हमारे डेटाबेस से डिलीट हो गया। अभी देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इधर है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैम्पल टेबल, अभी डेटा नहीं दिखाएगा, ठीक है। देखिए सेलेक्ट करो, रन करो, मतलब पूरा हमारा देखिए एरर आ गया, डोंट एग्जिस्ट टेबल व्यू, डजेंट एग्जिस्ट, मतलब नहीं है। देखिए ये भी रन करके दिखा, नहीं है ना दोस्तों, यही है ड्रॉप का मतलब, पूरा का पूरा डेटा सीट है ना डेटाबेस से डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको ड्रॉप स्टेटमेंट के बारे में मालूम हुआ होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं और एक इसका टर्नकेट टेबल स्टेटमेंट। टर्नकेट टेबल मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन देखिए, टर्नकेट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव एंड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। समझ में आ गया, मतलब क्या है, जो ये डेटाबेस को ही, मतलब जो शीट को डिलीट नहीं करता, जो जो सीट में कॉलम में डेटा है ना उसको डिलीट करने के लिए हमको टर्नकेट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट टेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको बताए तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अभी इधर हम एक टेबल लेंगे, अभी इंपोर्ट करके अभी लिया था ना, अभी एक टेबल है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं इम्पोर्ट करके टेबल बताता हूँ, ठीक है, अब किया था ना, वैसे करें इम्पोर्ट करो, ठीक है, यही टेबल लेंगे, ओके, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट टेबल नेम डालना है, क्या डालेंगे, टेबल
ये करके डालेंगे, ठीक है, टेबल ए करके डाल, टेबल न्यू करके डालें, ठीक है, टेबल ए इसका ऑलरेडी एक है, ठीक है, टेबल न्यू इम्पोर्ट फिनिश, ओके इम्पोर्टेड कमिटेड, ठीक है। अभी सेव हुआ है क्या नहीं देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल न्यू, ओके चलो अभी रन करेंगे, देखेंगे डेटा आइकन। अभी देखिए दोस्तों रन हो गए ना, मतलब टर्नकेट क्या मतलब एक कॉलम रहेगा, ये पूरा का पूरा कॉलम है ना, ये ऊपर वाला सभी रहेगा, टर्नकेट मतलब ये पूरा नीचे वाला डेटा है ना, कॉलम का डेटा है ना, सभी डिलीट करने के लिए हम टर्नकेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन कॉलम में जो जो डेटा है ना वो नहीं रहेगा। अभी देखेंगे इसका सिंटैक्स लिखिए दोस्तों, आपको मालूम है टर्नकेट टेबल लिखने का, बाद में टेबल का नाम लिखेंगे ना, देखिए टर्नकेट टेबल, टेबल नाम क्या है, टेबल न्यू, समझ में आ गया ना, टेबल न्यू इसको सेलेक्ट करो, अभी देखो आएगा, देखो टेबल, टेबल न्यू ट्रंकेटेड मतलब पूरा डिलीट हो गया। अभी देखिए रन करो, अभी डेटा नहीं रहेगा, देखिए मैंने बोला था ना डेटा अभी सभी खाली हो गया, ओनली कॉलम का नेम रहेगा, कॉलम का अंदर का डेटा पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, समझ में आ गया ना। ड्रॉप मतलब क्या है, ये पूरा शीट को ही डिलीट करेगा, राइट, और ये टर्नकेट है ना वो ओनली क्या करेगा, अंदर का कॉलम में जो डेटा रहता है ना उसको डिलीट करेगा। आई होप कि आपको टर्नकेट और ड्रॉप स्टेटमेंट के बारे में मालूम हुआ होगा। चलिए दोस्तों अब डिफरेंस देखेंगे क्या है इसका, ठीक है, इधर देखिए डिफरेंस क्या है, टर्नकेट और इसका, ये देखो ये टेबल है, ठीक है, नोट करके इन एसक्यूएल, देखिए ड्रॉप एंड टर्नकेट ऑपरेशन कैन नॉट बी रोल बैक, रोल बैक मतलब मालूम हो जाए, हो गया ना, हमने एक रोल बैक करके इस्तेमाल किया था, कमिट किया तो परमानेंटली सेव होता है, राइट, रोल बैक मतलब क्या होता है, रिटर्न करना, देखिए दोस्तों अभी ये रोल बैक किया तो, रोल बैक किया तो रिटर्न डेटा आना चाहिए ना, ठीक है, ये रोल बैक किया तो रोल बैक नहीं होगा, मतलब डेटा रोल बैक नहीं होगा, अभी देखिए रोल बैक किया तो भी डेटा नहीं आता है, समझ में आ गया ना, मतलब एक बार डिलीट किया ना पक्का डिलीट, एक बार टर्नकेट किया ना पक्का परमानेंटली डेटा को इरेज कर देगा, राइट, यही है। और दूसरा क्या है, डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द वेयर कंडीशन, आपको मालूम है, ठीक है, डिलीट टेबल का कैसा था, अभी एग्जांपल दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देखिए दोस्तों ये डिलीट मतलब क्या है, हम वेयर कंडीशन डाल के वेयर आईडी नंबर 3 करके दिया तो उस टाइम क्या होगा, ये एक डेटा डिलीट हो जाएगा, नहीं तो वेयर जनरल इज इक्वल टू मेल मतलब मेल का पूरा डिलीट हो जाएगा, उसी तरह डिलीट वेयर कंडीशन यूज करके डिलीट करता है, ठीक है, परमानेंटली मतलब इसको रोल बैक कर सकते हैं डिलीट इस्तेमाल करके डिलीट को, लेकिन जो ड्रॉप और टर्नकेट है ना उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब वो रोल बैक नहीं होगा, ठीक है। इधर देखिए डिलीट ऑपरेशन कैन बी रोल बैक, समझ में आ गया ना, ड्रॉप एंड ट्रंकेट आर द DDL कमांड, करेक्ट, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है ड्रॉप और ट्रंकेट, लेकिन डिलीट आता है डेटा मैनिपुलेशन मतलब चेंजेस करते हैं, मैनिपुलेशन मतलब चेंज करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं डिलीट का, लेकिन ट्रंकेट और ड्रॉप का परमानेंटली डिलीट होता है, जब हम करते टाइम में काम करते टाइम में केयरफुली ड्रॉप और ट्रंकेट करते टाइम में बहुत केयर टेक करना है, ठीक है। ओके दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कैसा था हमें ज़रूर बताइए, अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कृपया हमसे ज़रूर पूछें, आपके इस प्यार और समर्थन के बिना हम नहीं आ सकते, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में सजा करें।